अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 11 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद के पुराने शहर में दिन दहाड़े बुरखा पोश खातून पर खातिलाना हमले की वारदात पेश आई। साबिका आशिक एक्स बॉयफ्रेंड ने किया हमला। तफसीलात के मुताबिक कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके हाफिज बाबा नगर उमर होटल के करीब सड़क से गुजरती नूरा बानो नामी शादीशुदा खातून पर उसी के एक्स बॉयफ्रेंड हबीब ने मौलिक हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई और गश खाकर जमीन पर गिर गई। हमलावार हबीब टीआरएस पार्टी का कायद बताया गया है। राहगीर ने जब खातून को बचाने के लिए आगे बढ़े तब हमलावार हबीब ने उन्हें भी खंजर दिखाकर डराने लगा और राह फरार हो गया। हमले की इत्तला मिलते ही कंचनबाग पुलिस क्लू टीम के हमरा मुकाम वारदात पहुंचकर तफ्तीश की और जख्मी खातून को बग़र्ज इलाज उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आइए देखते हैं टीवी 11 न्यूज़ की ये खसूसी रिपोर्ट। हर खबर से बाखबर रहने के लिए टीवी 11 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मेरी मम्मी का नाम नूर बानो है। हम लोग हाफिज बाबा नगर में रहते थे। हमारे घर के पास एक आदमी था, वो मम्मी को डेली स्टॉक कर रहा था। मम्मी से बात करो, ये करो, डेली स्टॉक कर रहा था। एक बार हम लोग पीएस में कंप्लेंट भी दिए, कुछ भी एक्शन लिए भी ना, और लोग रात में लेके गए, उसी रात में ही छोड़ दिए। फिर बाद में अब क्या हुआ कि मेरे मम्मी दीदी कहने गए थे, दीदी कहने से रिटर्न आए, जब तक ये मार दिए, अटेम्प्ट टू मर्डर केस कर दिया उनका। कहाँ पे हुआ? मैं उमर पीछे आ रहे, जहाँ काम ही गए पीछे आ जा रहे थे बार बार। एक बार मेरे भाई को मारे भी थे, उन्हों पीएस में कंप्लेंट भी करे थे हम लोग, जब भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब तो मेरे मम्मी कुछ मार दे रहे, कद्दर से मार दिए पूरा। उमर होटल के सामने कितने दिन से चल रहा? ये 1 ईयर से चल रहा था। अच्छा, कंप्लेंट कराने के बाद भी आप लोग को एक्शन नहीं मिला? नहीं मिला कुछ भी। कितने बार कंप्लेंट करा है हम लोग और उन्हें कंप्लेंट करते, दो फॉरन एक्शन हो गया। हम लोगों को बुक करके भिजा दिए हम लोग।